नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में प्रोफाइल लॉक फीचर कैसे ऐड करें। अगर आपके Facebook में प्रोफाइल लॉक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कैसे आप उसे इनेबल कर सकते हैं, यही इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके, और उसके बाद बेल वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर ऑल पे सेट कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक के ऑफिशियली ऐप में ये फीचर नहीं आया हुआ है, मैं उन लोगों को दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पर ओपन करते हैं हम प्ले स्टोर को, और यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखते हैं फेसबुक, और इसके बाद इस फेसबुक पर क्लिक करके यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक मेरा पहले से डाउनलोड है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस फोटो पे क्लिक करना होगा, और फोटो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तीन डॉट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे फेसबुक ऐप्स में प्रोफाइल लॉक फीचर मिला हुआ है, यदि मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे इनेबल कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रोफाइल लॉक फीचर इनेबल करने से हमें क्या होगा, अगर हम प्रोफाइल लॉक फीचर अपने फेसबुक में लगा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रेंड ही हमारी फोटो और हमारी पोस्ट को देख सकता है, और कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। जो व्यक्ति हमारा फ्रेंड नहीं, वो हमारी फोटो और हमारी पोस्ट को नहीं देख सकता है। साथ ही एक और फीचर मिलती है कि केवल हमारी फ्रेंड ही हमारी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो को फुल साइज में देख सकता है। जो भी व्यक्ति हमारा फ्रेंड नहीं है, वो हमारी प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो को फुल साइज में नहीं देख सकता है। तो यदि आपके फ़ोन में ये फीचर नहीं मिला हुआ है, यहाँ पे प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यही मैं बताऊँगा कि इसे कैसे एक्टिव करना है, कैसे लाना है। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं हम बैक, और यहाँ पे इस तीन डॉट पे क्लिक करते हैं। तीन डॉट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा हेल्प एंड सपोर्ट पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा प्रोफाइल का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि हमारे फ़ोन में प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कृपया करके उसे एक्टिव करें। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा, डियर फेसबुक टीम, द प्रोफाइल लॉक ऑप्शन इज नॉट शोइंग इन माई अकाउंट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपडेट द सेम इन माई अकाउंट, और उसके नीचे लिखना होगा थैंक यू। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, और यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पे जो भी मैं लिखा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि किस तरह से लिखना है, और उसके बाद आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पे सेंड पे। तो अब फेसबुक टीम इस पे रिव्यू करेगी, और 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल करा देगी, और साथ ही आप अपने फेसबुक ऐप्स को भी अपडेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से फेसबुक प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आपके फ़ोन में 24 से 48 घंटे में आ जाता है, मैं खुद भी इसे चेक किया हूँ करके। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक, ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे गुजारिश है, मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।